अकलूज का ये किला सोलापुर में नीरा नदी के तट पर बसा है। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा प्रतिकृतियों के माध्यम से दर्शाई गई है, इसीलिए इस किले को शिवशृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। एक शिलालेख के अनुसार इस किले को यादव राजा सिंगन ने 13वीं सदी में बनाया गया था। नवंबर 1688 में प्लेग की बीमारी बीजापुर में फैल गई थी। इस महामारी के कारण मुगल छावनी में मृत्यु की संख्या बढ़ने लगी, इसीलिए औरंगजेब ने बीजापुर छोड़ दिया और अकलूज में डेरा जमा लिया। संभाजी महाराज के पकड़े जाने की खबर औरंगजेब को अकलूज में मिली। औरंगजेब ने अकलूज का नाम बदल के आसाद नगर रखा। 13 महीने वो इसी किले में था। इसी के दौरान अकलूज मुगल की राजधानी बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म और राज्याभिषेक के दो महान दृश्य, उनकी शौर्य गाथा और किले की प्रतिकृतियों ने इस शिवशृष्टि को उजागर किया है। किले में प्रवेश करते ही एक विशाल किले की संरचना पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा नजर आती है।
इसके अलावा रायगढ़, विजयदुर्ग, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंधुदुर्ग, शिवनेरी और देवगिरी किले की प्रतिकृति भी दिखाई देती है।